News 18, India. और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एसटीएफ ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चार टाइमर बम बरामद हुए। मुजफ्फरनगर दंगों से भी युवकों के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में एनआईए को मिली, जहां पर 6 महीने के अंदर आईसिस का दूसरा मॉड्यूल पकड़ा गया। में बैठकर महाराष्ट्र में धमाके करने की साजिश की जा रही है। बगदादी तो मर गया, लेकिन उसके शागिर्द सीरिया के अंदर से पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बगदादी के शागिर्द सीरिया के तमाम शहरों से महाराष्ट्र के अंदर मौजूद जिहादी सोच के कट्टरपंथियों को अपने साथ लेकर आतंकी हमले करने के फिराक में है। महाराष्ट्र को आईएसआईएस का बेस बनाने की पुरजोर कोशिश चली जा रही है। सिर्फ 6 महीने के अंदर एनआईए ने महाराष्ट्र के अंदर आईएसआईएस के 2 आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है और बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। ताजा गिरफ्तारी आईएसआईएस की कठपुतली माने जाने वाले जोहेब खान की हुई है। ये शख्स न सिर्फ सीरिया में बगदादी के सागितों के संपर्क में था, बल्कि आतंकवादियों की भर्ती भी कर रहा था, साथ ही साथ उनके लिए फंडिंग भी कर रहा था। यानी अगर देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर आईएसआईएस के 2 आतंकवादी मॉड्यूल एक्टिव हैं। पहला आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल और दूसरा आईएसआईएस का संभाजीनगर मॉड्यूल। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल की जानकारी एनआईए को 2023 के जुलाई महीने में ही लग गई थी, जबकि नया मॉड्यूल आईएसआईएस ने फरवरी महीने में तलाशा है और इसमें एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से जिस आईएसआईएस के आतंकी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो देश में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कुछ अहम जगह की रेकी भी की थी। इन जगहों पर हमले करने के लिए साजिश रचने का आरोपी मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों से भी भर्ती कर रहा था। आरोपी मोहम्मद जोहेब सीधे सीरिया में बैठे लोगों के साथ संपर्क में था। एनआईए ने उसके घर पर छापेमारी में जिहाद से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एनआईए इस पूरे मामले में आरोपी मोहम्मद जोहेब खान से यह भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो दूसरे राज्यों में किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। एनआईए दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जोहेब को एनआईए कोर्ट ने 1 मार्च की हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। सवाल ये उठता है, आखिर ये गिरफ्तारी हुई कैसे? मोहम्मद जोहेब एक ग्राफिक्स डिजाइनर था और छत्रपति संभाजीनगर में ही रह रहा था। सोशल मीडिया से जोहेब आईएसआईएस के संपर्क में आया था। सोशल मीडिया से ही जोहेब के अंदर आतंकी सोच का जहर भरा था। आईएसआईएस से ऑनलाइन जुड़कर ही जोहेब कट्टरपंथी बन गया था। एनआईए ने जोहेब का लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच भी तेज कर दी है। दरअसल एनआईए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगाह रखती है। एनआईए लगातार उन लोगों पर निगरानी करती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सीरिया के शहरों के संपर्क में हैं। दावा यह किया गया कि जोहेब टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए लगातार आईएसआईएस के संपर्क में था। महाराष्ट्र में आईएसआईएस का दूसरा मॉड्यूल पुणे में मिला। यह भी काफी बड़ा नेटवर्क माना जा रहा है। साल 2023 में 18 जुलाई को पुणे में 2-व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उनके ठिकाने पर ले जा रही थी, तभी शहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की और इस पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला कि दोनों सोफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा हैं। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ये सोफा मॉडल क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। 220 वर्ग किलोमीटर में फैला अल सुफा दक्षिण सीरिया का पहाड़ी इलाका है। सिविल वॉर के दौरान यही आईएसआईएस का आखिरी गढ़ था। इसी जगह के नाम पर आईएसआईएस का अल सुफा मॉड्यूल चर्चित हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुणे से गिरफ्तार हुए सभी आतंकियों के बाद जांच एजेंसियों ने इसका नाम पुणे
आईएसआईएस मॉड्यूल रखा था, जिसमें अभी भी 3 आतंकवादी मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, जिसमें पुणे का तला खान, दिल्ली का रिजवान अली और अब्दुल शेख हैं। पुणे के इस मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई दिसंबर 2023 में हुई थी। एनआईए ने दिसंबर 2023 सुबह देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 44 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापेमारी के बाद एजेंसी ने महाराष्ट्र से 15 लोगों को अरेस्ट किया था। ये लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं, जिसका सरगना साकिब नचान माना जाता है। एनआईए ने महाराष्ट्र के 43 और कर्नाटक के 1 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। सबसे ज्यादा ठाणे रूरल में 31 जगहों, पुणे में 2, ठाणे सिटी में 9, भयंदर में 1 और कर्नाटक में 1-1 जगह पर रेड की गई थी। इन गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा नाम साकिब अब्दुल नाचन का था, जो भारत में आईएसआईएस का सबसे बड़ा आतंकी था। ये मान लीजिए कि वो भारत में आईएसआईएस का अबू बकर अल बगदादी था और नाचन का ख्वाब पूरे के पूरे आईएसआईएस को अपने इशारों पर नचाने का था। हिरासत में उसने सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि अपने बाप के साथ गद्दारी कर दी और 2 दिन पहले वो एनआईए की गिरफ्त में आ गया। साकिब अब्दुल नाचन के दिमाग में चल रही साजिश से सुरक्षा एजेंसियां वाकिफ थीं, इसलिए काफी वक्त से वह एनआईए के रडार पर था। दिन रात उठते बैठते सोते जागते लगातार एनआईए के अधिकारी उस पर नजर बनाए हुए थे। साकिब अब्दुल नाचन इतना खतरनाक आदमी था कि एनआईए ने चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एनआईए के 180, पुलिस के 150 और महाराष्ट्र एटीएस के 80 अधिकारियों समेत कुल 410 लोगों की टीम ने नाचन के घर पर छापा मारा था और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आने के बाद नाचन ने ऐसे राज उगले कि एक पल के लिए अधिकारी भी हिल गए। पता चला कि नाचन पड़गा गांव के जिस बोरीवली इलाके में रहता था, उसने उसे अल शाम नाम दिया हुआ था। अल शाम अरबी शब्द है, जिसका मतलब है सीरिया। यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी ने पश्चिम एशिया के देश सीरिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर आतंक फैलाया हुआ था, उसी तरह नाचन ठाणे के पड़गा गांव के छोटे से बोरीवली इलाके को अपना सीरिया बताता था। मगर साकिब नाचन की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। वो 2003 के मुलुंड बम धमाके का दोषी है, जो 10 साल की सजा काटने के बाद 2017 में जेल से बाहर आया था, मगर आतंक की दुनिया से उसके कदम कभी बाहर नहीं निकले। 10 साल जेल में सड़ने के बाद वो और खौफनाक हो गया और उस आईएसआईएस से जुड़ गया। तभी से सुरक्षा एजेंसियां नाचन के खिलाफ सबूतों की तलाश में थी और जब सबूत मिले तो नाचन और उसके परिवार के 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जोहेब की गिरफ्तारी बगदादी के शागिर्दों पर एक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है।